तो हम लोग परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट में आपको एक ट्रिक बताया था कि इन जनरल जब ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो ओनली वन कीटो ग्रुप के लिए स्टेबिलिटी ऑफ इन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डोमिनेट करेगा एसिडिक करेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन टर्म पे, राइट? यही था ना? और वहां पे एक एग्जांपल भी लिए थे, एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। तो यहां भी ओनली वन कीटो ग्रुप, यहां भी ओनली वन कीटो ग्रुप, तो ए और बी में परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा होगा? तो इसमें देखेंगे तो ए बनेगा 1 कीटो ग्रुप रहेगा और कोई भी और अदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक करेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उस केस में स्टेबिलिटी देख लीजिएगा। तो देखिए किसका इनॉल ज़्यादा स्टेबल है, ए इनॉल ज़्यादा स्टेबल है या ए इनॉल ज़्यादा स्टेबल है, विच इनॉल आर मोर स्टेबल? ऑब्वियसली दिस इनॉल स्टेबलाइज बाई 4 हाइपर कंजुगेबल, राइट? चार है ना यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल, यहाँ पे कितना, तीन हाइपर कंजुगेबल है। तो अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं एडस और बीडस के बीच में, देन एडस इज स्लाइटली मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू बीडस, राइट? दैट्स वाई इसमें ज़्यादा इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ज़्यादा इनॉल बनेगा या इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ज़्यादा इनॉल एग्जिस्ट करेगा, इसमें परसेंटेज इनॉल का ज़्यादा रहेगा, राइट? दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, इज इट राइट? यहाँ तक आ जाइए फर्स्ट, हो गया ना? इसको हटाया जाए, अब एक और केस बनाइए। केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, यहाँ देखिए केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन बोल रहे हैं जानबूझकर। इसका मतलब अगर दो कीटो ग्रुप के बीच में अगर CH2 सैंडविच हो जाए तो इधर भी माइनस एम, इधर भी माइनस एम, राइट? तो उस केस में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से ज़्यादा डोमिनेट करेगा एसिडिक करेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट? लेकिन इन केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन एसिडिक करेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन एटम इज द ड्राइविंग फोर्स इन केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन एसिडिक करेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन एटम इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, करेक्ट? अब यहां देखिएगा, नो डाउट सर, ए और बी में, अब यहां पे इस एग्जांपल को सही से समझिए तब आप आंसर सही से दे पाइएगा। एग्जांपल ए और बी में ए भी दो टाइप का इनॉल प्रोड्यूस करेगा, दिस कीटोन प्रोड्यूस हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इनॉल? भाई ये तो आंसर फास्टली देना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत से पढ़ाए हैं, 8 टॉटोमराइजेबल है बट 2 डिफरेंट टाइप है, राइट? ये जो 2 देगा तो उसका रफ वर्क कीजिए, 2 देगा ना, बट इसमें
एक तो ये मिलेगा, और एक ये मिला गैजेट, राइट? और इसमें भी दो मिलेगा, करेक्ट? तो सर दोनों में दो दो मिल रहा है, और मुझे ए और बी में परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट देखना है। भाई परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट देखना है तो सबसे पहले इसका बात कीजिए, इस सिस्टम का, ए को भूल जाइए, बी में। तो बी में किसी के साथ कंपेयर करना है तो बी का इस इनॉल को लेकर बात करेंगे या इस इनॉल को लेकर बात करेंगे, पहला वाला। बोलिए क्यों सर? ए इनॉल एक बी, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका तो इतना ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा कि ये तो कीटो फॉर्म पे डोमिनेट करते रहेगा, राइट? इसलिए यहाँ पे अगर दोनों इनॉल को लेकर किसी के साथ कंपेयर करना है तो आप जो जिसका अमाउंट एक बीएम पॉइंट पे कम है उसको लेकर बात करेंगे, या जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको लेकर बात करेंगे। इसका मतलब कंपेरिजन के लिए हम लोग बी डैश को लेकर बात करेंगे, राइट? इस बी डैश को, इसका नाम अगर सी डैश बोल दें तो सीडस को हम लोग नहीं लेंगे कंपेरिजन के लिए, किसको लेंगे? क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो दो इनॉल दे रहा है, किस इनॉल को लेकर इसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करें। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप ए टीम को लेकर काम कीजिएगा या बी टो, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री से कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली जो सबसे पावरफुल टीम है, राइट? तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ज़्यादा ए एग्जिस्ट कर रहा है, वजह ये दोनों फैक्टर से डोमिनेट हो गया है। अगर सही से देखिएगा तो इस इनॉल का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, एग्री? और हाई एच बॉन्डिंग भी हो रहा है, इन एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी हो रहा है, बट यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस कम है और यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया है। डबल बॉन्ड होने से डिस्टेंस कम रहता है तो एच बॉन्डिंग बनाने में आसानी होगा, करेक्ट? दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में ऑब्वियसली इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, इसका एसिडिक करेक्टर मच मोर है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, क्योंकि यहाँ यहाँ से जब एच प्लस रिलीज करेंगे तो जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कंजुगेट बेस 2 - M से स्टेबलाइज हुआ, इट राइट? बट यहाँ जो कंजुगेट बेस बनेगा वो सिर्फ ओनली 1 - M से स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब है कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डोमिनेंट दोनों फैक्टर से फेवरेबल हो गया, स्टेबिलिटी वाइज भी और एसिडिक करेक्टर वाइज भी, करेक्ट? ये मैं बात सिर्फ अभी बी डेस और सी डेस के बीच में कर रहा हूँ, सिर्फ बी डेस और सी डेस के लिए, राइट? ओके, तो जब कंपेरिजन के लिए हम लोग इसको ना लेकर सिर्फ इसको लेकर देखेंगे, इन दोनों में भी दो इनॉल बन रहा है, किसको लेकर आप बात कीजिएगा? ए डेस या डी डेस? सर ए डेस को लेकर बात करेंगे, मतलब हम लोग को फाइनली ए डेस और बी डेस को देखना है, राइट? फाइनली हम लोग को किसको देखना है, समझ गए? फाइनली हम लोग को ए डैश और बी डैश को देखना है, करेक्ट है एवरीवन? अब बताइए ए डैश और बी डैश जो बना है वो दोनों इस कीटोन और इस कीटोन में एक्टिव मिथाइलिन के वजह से बना है, इस हाइड्रोजन से बेस, राइट? तो इन केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन आंसर देने के लिए स्टेबिलिटी देखना है या एसिडिक करेक्टर? मैंने क्या लिखवाया? एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर इधर ड्राइव दोनों ऑपरेट होगा लेकिन डोमिनेट कौन रहेगा, ड्राइविंग फोर्स कौन रहेगा? एसिडिक करेक्टर। तो भाई जिसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा उसमें परसेंटेज ऑफ फिनॉल ज़्यादा बनेगा। तो अब इसका सर सारा गेम हो गया इसके इसके बीच का एसिडिक करेक्टर के लिए, इन दोनों हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर, इज इट राइट?
तो इन दोनों का एसिडिटी करेक्टर आप चेक नहीं करेगा अभी, जस्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ाया है। इसमें ए और बी में किसके एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, डू इट फास्ट। वेरी गुड सर, कॉमन फैक्टर सर इतना है राइट, कॉमन तो ये था ना, अनकॉमन था दिस वन और दिस वन, तो सारा गेम इसका हो गया। इसका माइनस एम ज़्यादा होता है, इसका माइनस एम कम होता है, तो पहले ही पढ़ा चुके हैं राइट। दोबारा एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है कि इसका माइनस एम ज़्यादा क्यों होता है। इसका माइनस एम अल्डिहाइडी ग्रुप का कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ज़्यादा माइनस एम होता है, एग्री ना। इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा, इज इट राइट। इसका मतलब सर बी ग्रेटर देन ए परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, इज इट राइट। लिख लीजिए, सबको क्लियर हो गया ना। इसका मतलब एक्टिव ऐसा दो कीटो ग्रुप जिसके बीच में, या ऐसा दो कीटो ग्रुप छोड़िए, वैसा दो कार्बोनाइल कार्बन जिसके बीच में CH2 हो, तो उस केस में परसेंटेज ऑफ इनॉल, क्योंकि वो एक्टिव मिथाइलिन का केस बन जाएगा, तो उस केस में क्या देखना है, एसिडिक कैरेक्टर देखकर आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि एडेस बीडेस में कौन ज़्यादा स्टेबल, यहाँ से आंसर मिलेगा एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा, राइट। इसको हटाएं, नहीं यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमराइजेबल, यहाँ ही तो इसका नाम रहा टॉटोमराइजेबल, टॉटोमराइज कर जाएगा तो इसका तो नाम फिर रहेगा ही नहीं, करेक्ट। मैंने बोला था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमराइजेबल, राइट, यहाँ पे देखना है, ठीक है ना सर। ऐसा क्यों भाई, जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा उतना ही इसका टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा, ब्रेक होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और इनॉल में कन्वर्ट होने का चांस ज़्यादा बन जाएगा, राइट। हो गया ना, वेदांग अभी आप गुवाहाटी में हैं या गुवाहाटी से बाहर हैं? गुवाहाटी आने का चांस, सिचुएशन नॉर्मल होते ही आ जाइएगा। अभी जस्ट मैं आज 2 मिनट फेसबुक पे बैठा हुआ था, देखा कि मेरा एक स्टूडेंट गुरु ग्रामर के ही हैं, आदित्य ककोती, आज वो को डिग्री मिला IIT का कल या परसों, 23rd दीक्षांत समारोह IIT गुवाहाटी का, वही मैं सोचा कितना जल्दी लगता है कि कल ही पढ़ा रहा था, कल का ही बात है। इनिशियली वो डॉन बॉस्को के स्टूडेंट थे, फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए गुरुकुल ग्रामर में आ गए थे। देखिए 4 साल टाइम निकलते देर लगता है, ऐसे निकल जाता है, नहीं चलिए अब एक एग्जांपल्स लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इन चारों में परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट का ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, वेरी गुड, सी बी ए
तो सर जस्ट कुछ नहीं, मुझे एसिडी करेक्टर का कंपेयर करना था। तो नहीं होता तो एक ही क्वेश्चन में एसिडी करेक्टर भी आ गया, माइनस एम, सब कुछ मिक्स होकर एक क्वेश्चन हो गया। ये अभी बना रहे थे हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन भाई, लेकिन ये डेप्थ का क्वेश्चन है राइट। एक चीज़ कितना सारा बात दिमाग में चल गया। आप लोग ये आंसर समझ में आ गया कि सी बी ए डी क्यों होगा? आप सिर्फ क्या देख रहे हैं, इसका एसिडी करेक्टर देख रहे हैं, एसिडी करेक्टर, एसिडी करेक्टर, एसिडी करेक्टर और एसिडी करेक्टर राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा डिकेशन में तो बन जाएगा। इसको हटाएं, मैं चैट सेव करने जा रहा हूँ। कोई अगर अटेंडेंस नहीं लगाए तो प्लीज़ लगा लीजिए, नहीं तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपको कॉल जाएगा। एनीवन जो जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाया है लीजिए, अब यही मुझे काम दे दिए, आपने लगाया हो तो ऑब्वियसली होगा। हाँ बिल्कुल, आपका 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 है शुभांकर से किया। ज्योति शिखा मजुमदार, इन करते ही लगा लेना है अटेंडेंस। नहीं चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक के क्लास में बिना मुझसे पूछे हुए अब डी के सी लेकर बैठिएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिजिक्स में एच सी वर्मा लेकर बैठिएगा, अगर मॉडर्न का क्लास चलेगा तो सेकंड वॉल्यूम दोनों पास रख लीजिएगा। इन चारों में परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट, क्या बोले? सी टी ए बी राइट। आंसर है बी ए सी डी, किसी का आंसर यह आया है। मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए दिस द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पहले ए का बी के साथ कंपेयर करते हैं। हाउ मेनी
टॉटोमराइजेबल हाइड्रोनेटम, जल्दी से आंसर बोलना है विदाउट वेस्टिंग टाइम, पांच राइट। हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, मतलब टॉटोमराइजेबल तो पांच होगा, तीन दो पांच, बट इसमें दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मेजर इन ऑल, इट राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इन दोनों के से यहाँ पे मेजर बनेगा, इधर मेजर रहेगा, इधर माइनर रहेगा, वजह यहाँ पे बनेगा तो बिल्कुल यहाँ जो ओएच बनेगा उसके साथ घूम कर पूरा रेजोनेंस करेगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, करेक्ट। बट सर यहाँ पे हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, चार, करेक्ट ना, एंड ऑल दिस फोर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सेम टाइप ऑफ मेजर इन ऑल, जैसा यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे बस यही दो से होता, बट नहीं कि यहाँ पे वैसा वैसा चार हाइड्रोनेटम है तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनने का, सेम टाइप का सिचुएशन, करेक्ट, इधर बन जाएगा उसी टाइप का सिचुएशन, इधर भी तो बन सकता है, तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा इस टाइप का इनॉल बनने का, जैसा यहाँ पे मेजर बन रहा था, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया, राइट, दोनों तरफ से बिल्कुल ऐसा, इसमें तो सिर्फ चांस है ना कि इधर होगा तो मेजर बनेगा, बट इधर से होगा तो माइनर बनेगा, राइट, बट इधर से होगा तब भी मेजर, इधर से होगा तो उसी टाइप का मेजर, करेक्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बी का अमाउंट ए के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग मोर स्टेबल इन ऑल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का चार हाइड्रोनेटम टॉटोमराइजेबल है, इज इट राइट, मतलब इसमें थोड़ा हट कर बात बोल रहे हैं, करेक्ट ना। यस दिस इज द वजह, अब यहाँ पे देखिएगा सी जिनका आंसर था, अच्छा किसी ने यहाँ पे सी डी ए भी बोला था, निरंजन बोला था, आपका आंसर ये था राइट, तो जहाँ पे ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो स्टेबिलिटी का बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा तो सिर्फ रेजोनेंस इसके साथ होगा, बट यहाँ जो बनेगा डबल बॉन्ड इसके साथ, तो नहीं लगता रेजोनेंस ऐसे घूम कर पूरा हो जाएगा, दिशा तक हो जाए कि सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, बी का, उसके बाद ए का, सी और डी में ऑब्वियसली सी का सबसे कम, डी का, इज इट राइट, लिख लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे बोला ना इसमें इसमें बी का ए से ज़्यादा क्यों हो गया उसको लिख लेना है बाद में, सी और डी में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म द इन ऑल, इसमें फोर हाइपर कंजेबल रहेगा, इसमें तीन ही रहेगा राइट, सी और डी में कैसे होगा आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पेज नंबर 44 पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 119 आइसोमिजम का, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कुछ क्या आंसर होना चाहिए, बाई एक्स जेड, मुझे भी यही लग रहा है बाई एक्स जेड आंसर, क्या देखिए तो बोलिए बाई में बाई का अमाउंट क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि सर इसमें बाई का अगर एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो बाई में रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगा राइट। चलिए एट द सेम टाइम
इनके बाई का जो कीटो फॉर्म है, बाई का जो कीटो फॉर्म है, बाई का जो कीटो फॉर्म राइट, तो उसमें कीटोन और एस्टर के बीच में जो सी एच है ना, बाई का जो कीट जहाँ से बाई बना है उसका ओरिजिनल फॉर्म कहाँ से बना है, कीटोन और एस्टर के बीच का जो सी एच है उससे बना है राइट। उसमें जो हाइड्रोन रहेगा और एक्स वाले का जो सी एच टू रहेगा, इसमें आपको नहीं लगता कि यहाँ से, मैं इसका बात कर रहा हूँ भाई, इसमें और इसमें किस कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे एसिडिक करेक्टर ही देखना है राइट। सर ए ज़्यादा एसिडिक रहेगा क्योंकि यहाँ से एच प्लस रिलीज करेंगे तो जो निगेटिव बनेगा इसके साथ भी रिजेंस करेगा, इसके साथ भी करेगा और इधर भी करेगा राइट, उसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल रहेगा इट राइट। बट यहाँ से जो एच प्लस रिलीज करेंगे वो सिर्फ इसके या इसके साथ स्टेबलाइज होगा, बट यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए तीन माइनस एम है, एक एस्टर का, एक कीटोन का, एक फिनाइल का भी राइट, कुछ तो स्टेबलाइज करेगा। चलिए इसका मतलब अब समझ में रीजन आ गया, इसका मतलब है कि परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट क्या रहेगा, वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जेड, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए 119 में 120 120 क्वेश्चन नंबर 120। आंसर क्या है, ये है। तो चलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैं एक साथ डील कर लूँगा, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपका सिर्फ नंबर लिख लीजिए तो परसेंटेज ऑफ नोट करके लिख लीजिए होमवर्क में, मतलब इसको देख सकते हैं टाइम मिलने से। परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का क्वेश्चन शुरू होता है 116 से, 116 से लेकर 129 तक परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट पे क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन तो दिया नहीं हो, 10-15 क्वेश्चन ही है, बना सकते हैं 10-15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पहले, ओनली 15। इसको प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट नहीं मान के सिर्फ इसका यहाँ पे आने से पहले बना के रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा तो आपको माइंड ओपन नहीं होगा, हर क्वेश्चन में कुछ नया दिखेगा, तो इसको बढ़िया से। और यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बस बुक में देख कर टिक लगाते हैं, आप लोग नोटबुक पे रफ में लिखिएगा स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर लिखने से दिमाग में जाता है ठीक है, ये तो मैं मैक्सिमम चीज़ों को लिख लेता हूँ तब तो मुझे क्लिक करता है, अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होगा, प्लीज़ इसको बढ़िया से रफ बुक में या इसे क्लास नोट्स में ही बना लीजिएगा, होगा ना। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, नहीं तो मैं सॉल्व कर लूँगा, ट्राई कर पाएंगे आप लोग। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ये होमवर्क है क्लास का, 10-15 क्वेश्चन। अब लिखिए यहां देखिए स्टूडेंट, 116 से 129 तक। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट वो आइसोमेरिज्म कम है और रिएक्शन ज्यादा है, और रिएक्शन में जितना भी क्लास 12th का कम से कम तो 10 नेम रिएक्शन उसमें पक्का आएगा ही आएगा, एक का तो नाम मैं अभी बोल देता हूँ फिर आपको रिकॉल करवाऊँगा, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत फेमस रिएक्शन है उसमें आएगा, फिर हैलो फॉर्म रिएक्शन, ये तो पढ़ा भी दिया गया होगा आप लोग को, हैलो फॉर्म रिएक्शन राइट, अगर ऑर्गेनिक का स्टार्ट हुआ होगा तो हैलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ाया गया होगा,
तो इन सब रिएक्शन में विदाउट क्लियरिंग या ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन सो मेनी ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग टर्म पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए मैंने क्या बोला, इनोलाइजेशन। तो सर अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ये होगा कि सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे कीटोन से इनॉल, तो अभी तो कीटोन से इनॉल बन रहा था राइट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीटो इनॉल और इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन का मतलब हुआ कि कीटो इनॉल खुद से हो रहा था, बट इनोलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे कि वो रिवर्सेबल रिएक्शन है उसको मोटा मोटी 100% कीटोन को इनॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब वन डायरेक्शनल करेंगे राइट, मतलब 100% कन्वर्सन ऑफ कीटोन इंटू इनॉल इज कॉल्ड व्हाट, इनोलाइजेशन करेक्ट। लिखिए कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म, कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। कॉमा इन केस ऑफ इनोलाइजेशन 100% कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म, 100% कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म। ये पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब यहां देखिए, अगर 99% बन रहा है और एक 1% रहा, तो इसको फिर हम लोग 100% इनोलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इनोलाइजेशन बोलेंगे बट इसका क्या 100% बोलेंगे या पार्शियल इनोलाइजेशन में काउंट करेंगे। बट दिस इसका मतलब दिस इज नॉट द केस ऑफ इनोलाइजेशन, फिर इसको वही हम बोलते रहेंगे कीटो इनॉल टोटोमियम के जैसा राइट। अब ये दूसरी बात है कि हम लोग 99% शिफ्ट कर दिए हैं तो ऑलमोस्ट इसको मान के चलेंगे, बट एक्चुअल में आइडियली इसको हम लोग 100% इनोलाइजेशन में काउंट में नहीं लेंगे राइट। अब यहां देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। इनोलाइजेशन कैन बी एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड, इनोलाइजेशन कैन बी एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड, इनोलाइजेशन कैन बी एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। मतलब इनोलाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, या तो एसिड कैटलाइज्ड नहीं तो बेस कैटलाइज्ड। लिखना है एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड। स्टूडेंट एवरीवन, यहाँ जो बात सिखा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड, ये सिर्फ यहाँ के लिए या रिएक्शन में भी
मान लेते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन, जैसे मैंने बोल दिया कहीं पे कीटोन का ऑक्सीडेशन थ्रू इनॉल, कीटोन का ऑक्सीडेशन इनॉल के थ्रू होता है, इसका मतलब अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन रिएक्शन में आ रहा है तो इनॉल बनाकर करना है, यही मतलब है ना? करेक्ट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? आपको जाना है सिलचर भाया शिलोंग, मतलब ये टास्क दिया गया है शिलोंग होते हुए जाना है, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल, मतलब इनॉल को पहले बनाना है तब कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है, इसका मतलब ये हुआ, राइट। अब जैसे ही कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल, तो इनोलाइजेशन के लिए मैंने बोल दिया इनोलाइजेशन कैन बी डन इन बोथ मीडियम एसिडिक एज वेल एज बेसिक, इसका मतलब है कि अब वहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि मेरा मीडियम क्या है, राइट। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा का पीछे वजह यह है कि जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल या डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेबल, राइट, नंबर ऑफ टॉटोमराइजेबल डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, वैसे ही अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ इनोलाइजेबल या डिफरेंट टाइप ऑफ इनोलाइजेबल। यहाँ पे तो जो एग्जांपल ले रहे लेंगे उसमें अभी आपको डिफरेंट टाइप नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीटोन लिया, करेक्ट। या आपको समझाने के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा, करेक्ट ना स्टूडेंट। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इनोलाइजेबल, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल फाइव है, राइट। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इनोलाइजेबल, अब देखिए यहाँ पे टॉटोमराइजेबल नहीं बोल रहे हैं, अब इसका क्या नाम दे रहे हैं इनोलाइजेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू टू, इट राइट। और मीडियम है मेरा H प्लस, तो ऑब्वियसली दो इनॉल बनेगा, तब यहां पे पूछा जाएगा, यहां देखना है तब पूछा जाएगा विच इनॉल इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। मैंने ये नहीं बोला कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, मैंने क्या बोला विच इनॉल इज मेजर एंड विच इनॉल इज माइनर, कौन मेजर प्रोडक्ट है कौन माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम लोग का सॉल्यूशन उसका अमाउंट देखकर बोलते हैं, करेक्ट। इसका मतलब दो इनॉल बिना, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, हाउ मेनी इनॉल्स आर फॉर्म्ड, फिर से हाउ मेनी इनॉल्स आर फॉर्म्ड, पांच कैसे, मेरा क्वेश्चन है कितना इनॉल बना भाई, यहां पे नहीं कितना बना, थ्री बन गया है, इसके अलावा अबाउट सी सर ट्रांस हो रहा था तो सर अभी तो पढ़ा ही नहीं ज्योमेट्रिकल, राइट। पढ़ेंगे तो क्लिक तो करेगा, वो यहाँ पर तो पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या पूछ, अब थोड़ा डेमो दे रहे हैं रिएक्शन में, अब रिएक्शन आ रहा है ना तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो नंबर ऑफ इनॉल्स लुक्स लाइक टू अ स्ट्रक्चर वाइज, बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इनॉल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म नहीं किए हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं रहा था, यहाँ पे कंप्लीट एक रिएक्शन हुआ है, राइट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इनॉल्स लुक्स लाइक टू स्ट्रक्चर वाइज टू, बट ऐसे थ्री क्योंकि इसके अबाउट एक्टिव डबल बॉन्ड है, नाम सुने थे एक्टिव डबल बॉन्ड का, जिसके अबाउट हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सोच सकते हैं, राइट। एनीवे तो वो सब मतलब इतना एक्टिव आपको रहना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करना है तो, राइट। एनीवे अभी आपका स्ट्रक्चर वाइज दो, तो एक्चुअल में इसमें ए बना ए बना, तो कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है ये बात करना है, तो यहाँ लिखना है इसमें बिल्कुल क्लियर कट, कोई डाउट ही नहीं है। तो एक्चुअल में एसिड कैटलाइज्ड मतलब एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डिसाइड मेजर एंड माइनर, जिस इनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है उसका अमाउंट मेजर होता है, लेकिन ये कौन सा मीडियम के लिए,
एसिडिक मीडियम के लिए। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, मतलब मैं इनोलाइजेशन के प्रोसेस में मैंने जनरलाइज कर दिया कि एसिडिक मीडियम में जिसका एसिडिटी, जिस इनोल का एसिडिटी ज़्यादा रहेगा वो मेजर बनेगा और जिसका एसिडिटी कम रहेगा वो माइनर बनेगा, करेक्ट। जिसका कंक्लूजन लिखिए, पहले मैकेनिज्म बाद में करेंगे, पहले की पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन मोर स्टेबल इनोल शुड बी मेजर एंड लेस स्टेबल इनोल शुड बी माइनर। इट मीन्स अ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज द ड्राइविंग फोर्स टू डिसाइड मेजर एंड माइनर इनॉल। इट मीन्स अ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज द ड्राइविंग फोर्स टू डिसाइड मेजर एंड माइनर इनॉल। इज इट करेक्ट? इट मीन्स अ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज द ड्राइविंग फोर्स टू डिसाइड मेजर एंड माइनर इनॉल। मतलब यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, उसके लिए क्या देखना है, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस इनॉल। बट उसके पीछे का मेन वजह अब मैकेनिज्म से पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट? गुवाहाटी क्लब देखे हैं? गुवाहाटी में वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ से कॉटन जाना है, कहाँ पे, कॉटन कॉलेज, राइट? तीन रास्ता निकलता है, एक तो एकदम सीधे निकल गए, एक ये भी रास्ता है कि बी बरुआ वाला पुल को पकड़ के, ब्रिज है ना उधर गुवाहाटी क्लब से, किधर भी जाता है भाई, बी बरुआ होते हुए विशाल मेगावाट और घूम के जा रहे हैं कहाँ, कॉटन कॉलेज, राइट? और एक रास्ता और है सिनिकुटी होते हुए सेंट मैरिज, राइट? तो तीन रास्ता है वहाँ जाने का, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा था? अब बोलेंगे ही नहीं, जो सीधे निकल गए वो सबसे शॉर्टेस्ट है, जिनको गुवाहाटी का ज्योग्राफी पता है, मतलब तो सबसे शॉर्टेस्ट था जो सामने निकल गए, राइट? ओके, इसका मतलब है कि भाई अगर आप इंटरमीडिएट पे पहुँचे हुए हैं, राइट, अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ ऑलरेडी हैं, और तब प्रोडक्ट बनाना है, दो रास्ता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, कौन सा रास्ता लेना पसंद करेंगे? नहीं सॉरी, इंटरमीडिएट पे आप ऑलरेडी हैं, मतलब यहाँ से दो प्रोडक्ट का चांस है, आप यहाँ पे हो और एक प्रोडक्ट का ये बनने का चांस है और एक प्रोडक्ट, और आप यहाँ पे थे, यहाँ पे लाकर छोड़ दिया गया, राइट, करेक्ट ना? तो इस केस में आप लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल, ए प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे या ए प्रोडक्ट, जानबूझ के आप लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे या मोर स्टेबल? वैसा कोई भी दो प्रोडक्ट जिसका इंटरमीडिएट कॉमन, वैसा कोई भी दो प्रोडक्ट जिसका इंटरमीडिएट क्या हो कॉमन हो, राइट, दोनों प्रोडक्ट का सेम इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट सेम है तो भाई ये तो कॉमन ही रहा ना एक्टिवेशन एनर्जी दोनों प्रोडक्ट के लिए, यहाँ तक सेम है बात, राइट? इसके बाद डिसाइड करना, यहाँ पे पहुँचा दिया गया तब बोला गया है कि आपके हाथ में छोड़ दिया गया प्रोडक्ट बनाना है, तो आप जानबूझ के लेस स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे या मोर स्टेबल, यहाँ पे अगर आए हुए हैं तो मोर स्टेबल। अरे बात कम से कम मैं 50 टाइम्स बोलूँगा, सो मेनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन रहेगा जिसमें इंटरमीडिएट कॉमन रहेगा और तब प्रोडक्ट बनाना रहेगा, तो हम लोग मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, करेक्ट, जानबूझ के लेस स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब मैं अगर आपके साथ
स्टूडेंट रहता तो मैं ऐसे बॉक्स बना के लिख लेता, अगर किसी दो प्रोडक्ट के लिए वन इंटरमीडिएट और वन सेम इंटरमीडिएट से दो प्रोडक्ट बनाना हो तो हम लोग मोर स्टेबल प्रोडक्ट को मेजर की तरफ जाएंगे बनाएंगे, राइट? बोले मैंने क्या बोला, एक की पॉइंट है, मोर स्टेबल एज ए मेजर लेंगे राइट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट एज ए माइनर लेंगे, इज इट राइट? लिख लीजिए, टाइम दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसे ही करके एक एक पॉइंट कलेक्ट करते हुए रिएक्शन सीखिएगा। मतलब आंसर देने के लिए तो मैंने कंक्लूजन दे दिया, बट उस आंसर के पीछे का वजह ये था जो मैंने बोला अभी, राइट? चलिए मैकेनिज्म यहाँ देखिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मीडियम क्या है, सब लोग यहाँ देखना है क्योंकि मैकेनिज्म आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। H प्लस, और आपको पढ़ाया हुआ ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थोड़ा बहुत पढ़ाए थे राइट। H प्लस सर, H और H प्लस है क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात है H प्लस है कैटलिस्ट, करेक्ट? H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन करेगा और एट द एंड ऑफ रिएक्शन H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट, ऑब्वियसली H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिख रहा है? देखिए तो सर यहाँ पे पाई क्लाउड है, एक तो यहाँ पे लोन पेयर है, एक तो लोन पेयर है और दूसरा यहाँ पे पाई क्लाउड है, मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इज इट राइट? दैट्स वाई एक किसके तरफ जाना पसंद करेगा यहाँ पे। और आपको क्या लग रहा है, अच्छा देखने के लिए एरो दिखा दिए हैं, अभी भी वही मीन कर रहा हूँ, वन कंप्लीट एरो ट्रेवल विथ टू इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये जो कंप्लीट एरो दिखाए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट? समझ गए ना, किसको लॉस हो गया, ऑक्सीजन को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट वन वाई, एक मिनट रुकना है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट निगेटिव चार्ज या वन इलेक्ट्रॉन, इन सब को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज इट राइट? इट कंपल्सरी कि ऑलवेज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन रहेगा, यहाँ भी तो कंप्लीट वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए आपसे कोई बोलेगा कि एक सिचुएशन है और भाई एक ये सिचुएशन है, किसमें पाई बोन का ओपनिंग टुवार्ड्स ऑक्सीजन ट्रेमेंडस अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे पाई बोन का ओपनिंग का चांस, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एक तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिए तो उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बिकम सो मच हाई, तो यहाँ पे पाई बोन का ओपनिंग का टेंडेंसी बिकम सो मच हाई, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि अगर एच प्लस, मतलब आपको फील होना पड़ेगा ना कि एच प्लस अगर कैटलिस्ट आके कमाल क्या किया, कमाल ये किया कि जितना फास्ट यहाँ देखिएगा, जितना यहाँ पे अगर टॉटोमेरिज्म होता तो टॉटोमेरिज्म में होता क्या था, यहाँ का हाइड्रोजन का एरो ब्रेक होकर यहाँ आता था और ये ऐसे ओपन होता था, राइट? तो इसका मतलब जितना फास्ट ओपनिंग ऑफ पाई बॉन्ड टुवार्ड्स ऑक्सीजन रहेगा उतना ही फास्ट इस तरफ से या इस तरफ से बॉन्ड को ब्रेक होकर जाना पड़ेगा, करेक्ट? अब हम लोग क्या किए, एच प्लस एज ए मीडियम लेकर इसको प्रोटोनेट कर दिया, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिटी बिकम सो मच हाई तो इसका ओपनिंग का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया, करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर यहाँ अब आपको बनाना था, टास्क क्या था, जाना कहाँ है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहले से पता रहता है, राइट? आपको मैकेनिज्म के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहले से याद रखना है और रास्ता ड्रॉ करना है और उसको अगर सही से अगर एक्सप्लेन कर दिया गया उसी को बोलते हैं करेक्ट मैकेनिज्म, राइट? इसका मतलब है मुझे या तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे पाई बोन बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ए भी इनोलाइजेबल है और ए भी इनोलाइजेबल है तो इसको यहाँ से लेकर जाएं या इसको यहाँ पे लेकर जाएं, क्योंकि दोनों के लिए ओ एच प्लस ए फैक्टर तो कॉमन फैक्टर ना, ए फैक्टर क्या है, अनकॉमन है या कॉमन है, कॉमन है। इसका मतलब अगर ए इनोलाइजेबल होता है, अगर ए इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और अगर ए इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, बट दोनों के लिए डिफरेंट इंटरमीडिएट है या सेम है, सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस कॉमन है ना,
तो यहाँ पे इनॉल बनना और यहाँ पे इनॉल बनना दोनों के लिए कॉमन था दिस पॉइंट, राइट। इसका मतलब इंटरमीडिएट कॉमन है, राइट। और कॉमन इंटरमीडिएट से दो इनॉल बन रहा है, तो कॉमन इंटरमीडिएट से दो इनॉल बनेगा तो हम लोग जानबूझ के लेस स्टेबल इनॉल बनाएंगे या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल। तो यहाँ से आपके पास अब दो इनॉल बनने का टेंडेंसी है, एक इधर से बनेगा एक इधर से बनेगा, करेक्ट। बट एसिडिक कैरेक्टर में मैंने क्या बोला, वो तो मेरा कंक्लूजन था, कंक्लूजन होता है भाई कि एकदम फास्ट होने के लिए, बट रीजन ये था कि हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरफ जाएंगे, करेक्ट ना। तो ये यहाँ आएगा, करेक्ट, और यहाँ पे ओपन होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। और यहाँ पे यहाँ देखिए, तो एच प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया था, नहीं था ये एच प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आउट हो गया, करेक्ट। और बन क्या गया, सी एच थ्री ओ एच। तो एक्चुअली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फ्रॉम कीटोन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में इनॉल बनाने का तरीका बताइए तो बोलकर, सर पहले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे, कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे, राइट। उसके बाद रुक कर सोचना है, क्योंकि उसकी तरफ हो सकता है कि दोनों तरफ इनॉलाइजेबल हो, तो किस इनॉलाइजेबल हाइड्रोजन एटम के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर सोचेंगे जिसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा, राइट। तो सर ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे भाई, वो तो कितना पुराना कहानी हो गया, कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए तो मैंने सिर्फ इस तरफ का दिखाया है, आप एज ए स्टूडेंट इसको भी एक बार दिखा दीजिए, करेक्ट ना। समझ गए, तो आपको दो बना, इसे मेजर कौन रहेगा, दिस वन मेजर रहेगा एंड दिस वन शुड बी माइनर, इज इट राइट। तो अगर एग्जाम में इनोलाइज यहाँ देखना है, एग्जाम में अगर ये आ गया कि ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन इन एसिडिक मीडियम, क्या आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेंगे मेरे जैसा? सबसे पहले क्या करना है, फिर से एक बार बोलना है, क्या करना है सबसे पहले? प्रोटोनेट करना है। आफ्टर प्रोटोनेशन वी हैव टू डिसाइड विच हाइड्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मेजर प्रोडक्ट, विच हाइड्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मेजर प्रोडक्ट, क्रॉसपॉन्डिंग टू विच वी गेट मोर स्टेबल इन ऑल, राइट। जैसे मैकेनिज्म ड्रॉ किए हैं वैसे ही ड्रॉ करना है, बिना इफ एंड बट किए हुए, राइट। और एसिड कैटलाइज का मतलब वहाँ पे बहुत एसिड देना होता है या थोड़ा सा कैटलिटिक अमाउंट? कैटलिटिक अमाउंट। अब इसी एग्जांपल में एक मिनट ध्यान देखिएगा, ये रिएक्शन अभी आपको पता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखना है, बट इतना तो पता है कि केवनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब, और केवनोफोर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, तो इतना तो पता हो गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब वहाँ पे 99.9% बच्चे क्या करते हैं, वो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन तो पकड़ लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, राइट। आ सारा गेम इसी का था, बिकॉज इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, इज इट राइट। इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, इसका मतलब जब वहाँ पे पढ़ाते रहेंगे, हालांकि यहाँ पे ही लिख लीजिए, इसका एक यूज तो हो जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन थ्रू इनॉल होता है, दैट्स वाई
एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बी केयरफुल अबाउट मीडियम, इज इट राइट? प्लीज बाद में इसको कैसे ऑक्सीडेशन होगा वो बाद में देखेंगे, बट एक लाइन लिख लीजिए मेरी तरफ से, मतलब एक डेमो तो दिया, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज आने वाला है. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ, मुझे याद रहेगा कि मैंने कहाँ पे ये बात बोला है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल, सो बी केयरफुल अबाउट मीडियम, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल एंड बी नो दैट इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, एंड बी नो दैट इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, सो बी केयरफुल अबाउट मीडियम, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका करने के लिए आपके पास दो इनॉल सॉल्यूशन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनॉल के थ्रू ही करना है, पहले इनॉल बनाकर, करेक्ट ना स्टूडेंट? लेकिन अब किसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके बाद का आगे का सफर तय करना है. याद है आप लोग को ऐसा कुछ पढ़ाए थे 11th के फाइनल एग्जाम के लिए कि KMnO4 लेते हैं तो इसको ब्रेक करते हैं तो क्या मानना है, चार किस बनाए थे अल्कीन में, ओजोन रिसिप्टर भी सिखाए थे और KMnO4 भी सिखाए थे. तो वैसे ही यहाँ पे होगा क्या कि अल्कीन बन गया है, बट अब इसको और इसको ऑक्सीजन करना है, कीटोन का डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं करता, इनॉल बनाकर करते हैं. तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मेजर ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा उसके लिए इस स्ट्रक्चर का लेकर मेजर सोचेंगे या इस स्ट्रक्चर को लेकर मेजर प्रोडक्ट सोचेंगे? इसको लेकर मेजर प्रोडक्ट सोचेंगे, राइट? क्योंकि सॉल्यूशन में यही ज़्यादा है, करेक्ट ना? तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे मेजर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिलेगा, इज इट राइट? ये मैं एक्चुअली मुझे सिखाना ये था, करेक्ट ना? आप लोग समझे एवरीवन मैंने क्या बोला? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोएटम. अब मैं टोटोमराइजेबल नहीं बोल रहा हूँ, अगर मीडियम को कैटलाइज कर दिया राइट तो उसको इनोलाइजेबल बोलेंगे. हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, दो. मीडियम क्या है? एसिडिक. तो मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? एक इनॉल तो ए बनेगा राइट, और एक इनॉल ए बनेगा. देखिए तो मैं सही हूं, ये मेजर रहेगा ये माइनर रहेगा. आप लोग एज ए स्टूडेंट मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए फर्स्ट, जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ. ड्रॉ कर पाएंगे मैकेनिज्म? मैंने मेजर के लिए कर दिया तो आप एक और स्ट्रक्चर बनाकर माइनर के लिए भी कर लीजिएगा, बट मेजर और माइनर के लिए नहीं लगता, कॉमन ए रहेगा, ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा. अब हेडिंग बनाइए, बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन.
जब आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ये बात लिखे होंगे, देखिए तो सही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बाकी लोग भी कभी कभी रिप्लाई कीजिएगा भाई, तो उससे टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बोले थे, राइट। अब वजह क्या बोले थे कि अगर इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, राइट। अगर इंटरमीडिएट यहाँ पे, इंटरमीडिएट यहाँ पे है तो किसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी कम, इस यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, राइट। इसका तो पहला बात तो ये हो गया, इसका मतलब है कि किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहेगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहेगा, इसमें स्लो रहेगा, इट राइट। फर्स्ट पहला पॉइंट तो ये हो गया, करेक्ट ना। तो आपको अगर ऑप्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर अब आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको दो इंटर, आपके सामने दो इंटरमीडिएट है नज़र आ रहा है, एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, जानबूझकर आप कौन सा इंटर बनाएंगे, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? मतलब एक ऐसे तो आपके हाथ में है ही नहीं, मॉलिक्यूल पकड़ के थोड़े आप रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक बोलने का तरीका पेपर वर्क के लिए, तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। वजह इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कम, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे भी, राइट। पाथ शॉर्ट रहेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप सेम, एक मिनट रुकना है मैं लिखवा दूंगा, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सुनिए ज़्यादा और एकदम दिमाग में फिट करते रहिए मूवी की तरह, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम रिएक्टेंट से दो इंटरमीडिएट अगर बनने का चांस है, वो नज़र आ जाएगा, कैसे चांस है, तो हम लोग मोर स्टेबल बनाएंगे या लेस स्टेबल, या दोनों बनेगा लेकिन सॉल्यूशन में किसका पार्टिकल ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूशन में जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसका पार्टिकल, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखेगा, राइट। और सॉल्यूशन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसका पार्टिकल ज़्यादा रहेगा वो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट पे आएंगे। तो मान लेते हैं कि दो टाइप का इंटरमीडिएट बना, एक वन ऑफ द इंटरमीडिएट का अमाउंट 90% है और दूसरे इंटरमीडिएट का अमाउंट सॉल्यूशन में 10% है, इंटरमीडिएट के थ्रू ही प्रोडक्ट बनना है, करेक्ट। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट भाया ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट ऑफ ए स्लो रिएक्शन, इज इट राइट। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट भाया इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट, ऑफ ए स्लो रिएक्शन। तो उस केस में जिस इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा रहेगा सोल्यूशन में, वो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। इसका मतलब शॉर्टकट में हुआ, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट इन जनरल, राइट। अब केमिस्ट्री है तो इन जनरल बताएं, लिखना पड़ता है, लेकिन कहीं पे एक्सेप्शन भी हो सकता है, बट 90% केस में, राइट। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एक और पॉइंट बनाकर, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स कौन सा प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और लास्ट में इन जनरल, राइट। ध्यान से देखना है मैकेनिज्म, अच्छा स्टूडेंट आप लोग का इस बार सच में दो टर्म में एग्जाम होगा क्या, 12th बोर्ड का फाइनल हो गया, अब क्या दोनों का सिलेबस इक्वल रहेगा, कुछ सिलेबस पता है या सिलेबस लोग देंगे या नहीं देंगे, सिलेबस दे देंगे ना, तो एक काम करेंगे ना, जो सिलेबस देंगे तो उसके लिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिए, लेट अस सपोज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देख लूँगा, अगर लगता है कि नहीं जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाते हो नंबर तक आपका सिलेबस वहाँ तक कवर कर देंगे, देन फाइन। देखो ये तो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन सरप्राइज हो गया ना, राइट।
तो अगर मुझे आइडिया लगेगा कि नहीं शायद जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से ऑर्गेनिक का सिलेबस ज़्यादा है, तो फिर मैं जैसे ही रिएक्शन में इन करूँगा, याद रखिएगा जैसे ही रिएक्शन में इन करेंगे वैसे ही डेली एक क्लास 1 आवर का ऑर्गेनिक लगा दूँगा, और अक्टूबर लास्ट होते तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन पूरा कवर कर दूँगा, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि बोर्ड पे ही इतना एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बिलो बिलो एंड बिलो बोर्ड का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए उस बात के लिए तो टेंशन फ्री हो जाएगा, मतलब जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे मैं अपने आप को ढाल लूँगा और आपको भी ढलना पड़ेगा, करेक्ट ना। उससे दो फायदा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए जेई मेन में हम लोग को काम आ जाएगा, मेहनत कभी व्यर्थ थोड़े जाएगा। तो सिलेबस लेकिन तब तो सबसे बढ़िया मेरे लिए रहेगा, तो मैं हैप्पीली ख़त्म करते रहूँगा फिर आराम से, जैसे अभी कर रहे हैं। ये तो हाँ ऑर्गेनिक का, लेकिन आपका बोर्ड में ऑर्गेनिक का पोर्शन भी तो ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सच में क्वेश्चन आसान है और बन भी जाता है। देखिए फिज सब सारा केमिस्ट्री आसान है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा मेहनत है, राइट, थोड़ा मेहनत है। आप प्योर ऑर्गेनिक में प्योर मेहनत है, रट्टा मारना है दिमाग को साइड में रखकर, वो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ढालिए। आप IIT के लिए सोच रहे हैं अच्छे इसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसमें हर क्वालिटी होना चाहिए, जहाँ पर रटना है वहाँ पर सबसे आगे रहिए, मतलब वो भी अपने आप में कॉम्पिटिशन कर दिए। मुझे पता है कि साइंस वाले बच्चों का इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अच्छा लगता है, राइट, पर जहाँ पर रटना, रटना भी तो क्वालिटी है एकदम, देखते हैं पॉइंट तक। मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी एज ए टीचर रटता हूँ, राइट, तब ना डोमिनेट करेंगे बच्चों पे, स्टूडेंट पे। अब मैं ही, मेरे मुझे ही याद नहीं है यार, आपसे पूछ रहे हैं, सो मैं कभी कभी देखते हैं जब कोई बात याद नहीं रहता तो आप पे डिपेंड हो जाता हूँ, स्लो हो जाता हूँ। चलिए इसका मतलब है कि आप लोग घबराइए नहीं, जो जैसा भी रहेगा मैं अपने आपको ढाल लूँगा और सिलेबस ऑन टाइम फिनिश कर दूँगा। बेस कैटलाइज्ड है, बाद में इसका कंक्लूजन बाद में देंगे, ठीक है। नाम क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए OH का नाम क्या बोल, मैंने हेडिंग क्या बनाया है, बोलिए, बेस, बेस, राइट भाई। OH माइनस का दो नाम हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल या बेस, राइट, करेक्ट ना। इसलिए मैंने इस पॉइंट पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, बेस को मैं 4 बार बोल दिया, क्या बोल रहे हैं, बेस। आपको पता नहीं कोई भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, किसे, कार्बन को, तब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, राइट, ये थोड़ा बहुत तो सिखाए थे 11th के एग्जाम के लिए। और अगर कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल कार्बन को छोड़कर बाकी किसी दूसरे को देगा तब बोलेंगे बेस, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो क्वेटिव कैरेक्टर थोड़ा है, कार्बनाइल कार्बन पे पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो देर इज ए पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन दिस कार्बन, राइट, दिमाग में ये भी तो आएगा कि यहाँ पे अटैक भी कर सकता है, और ऑब्वियसली करता भी है, बट मैंने नाम क्या दे दिया, बेस कैटलाइज। तो जैसे ही बेस कैटलाइज कर दिए इसका मतलब OH माइनस को यहाँ पे अटैक नहीं करना है, जैसा नाम दिया गया वैसा ही तो सोचना है, राइट, इसका मतलब यहाँ पे अटैक नहीं करना, समझे, मैंने यहाँ पे क्यों काउंटर कर दिया, किसी के माइंड में अगर आएगा अभी कि सर यहाँ भी तो अटैक कर सकता था, नाम क्या दिया हुआ भाई, नाम दिया बेस कैटलाइज, काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल वाला होगा। अब नेक्स्ट, बेस सर्चिंग फॉर व्हाट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर जगह पर सर्चिंग वाला टर्म आ जाता है, बेस सर्चिंग फॉर बोलना है एसिड, बेस सर्चिंग फॉर व्हाट, एसिड, बेस सर्चिंग फॉर बेस या बेस सर्चिंग फॉर एसिड। तो बेस को अगर दो ऑप्शन दिख रहा है, मोर एसिडिक और लेस एसिडिक, तो किसके तरफ जाएगा, आप ही से आंसर ले लेता हूँ। देखिए आपने आंसर बता दिया, इसका मतलब है सर बेस, इसका नाम था बेस, अब बेस सर्चिंग फॉर एसिड, चलिए बेस सर्चिंग फॉर एसिड, इज इट राइट। तो अगर बेस को दो तरफ एसिडिक, ए भी एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन है और ए भी है, करेक्ट, तो
क्योंकि बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन पे, एसिडिक हाइड्रोजन पे ही अटैक करेगा। तो इस पे ज़्यादा अटैक करेगा या इस पे ज़्यादा अटैक करेगा, यहाँ से एच प्लस लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा या यहाँ से एच प्लस, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन को सर्च में निकल गया, क्योंकि इसका नाम है बेस। तो दिस वन इज मोर एसिडिक या दिस वन इज मोर एसिडिक, क्यों? क्योंकि सर यहाँ से एच प्लस को रिड्यूस करेंगे तो जो कंजुगेट बेस बनेगा, कंजुगेट बेस वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इज इट राइट? और यहाँ से एच प्लस को मैं रफ वर्क करूँगा, यहाँ से जो कंजुगेट बेस बनेगा वो लेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई का इम्पैक्ट रहेगा, करेक्ट ना? इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा अटैक रहेगा, मोर अटैक, करेक्ट? और यहाँ पे लेस अटैक, करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब जब भी बेस लेकर काम करते हैं तो बेस मॉलिक्यूल में लेस एसिडिक हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा जाएगा या मोर एसिडिक हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा जाएगा इन जनरल? ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, नेचुरली मोर एसिडिक की तरफ ज़्यादा जाएगा, राइट? बट यहाँ से भी एच प्लस लेने का चांस है, यहाँ से भी एच प्लस लेने का चांस है, बट कहाँ से एच प्लस लेने का ज़्यादा चांस है? यहाँ से एच प्लस लेने का ज़्यादा चांस है, राइट? मोर अटैक लेस अटैक, क्यों? बिकॉज दिस वन इज मोर एसिडिक, करेक्ट ना, एंड दिस वन इज लेस एसिडिक, करेक्ट एवरीवन? तो भाई एच प्लस लेने के बाद बनेगा क्या? सर कार्बन आयन बन जाएगा, राइट? एच प्लस अगर यहां से लेगा तो यहां पे निगेटिव बनेगा, राइट? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आयन क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट? तो इसका मतलब है कि सेम रिएक्टेंट से दो इंटरमीडिएट होना, विच इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल? देखिए तो यहाँ पे विच इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल, दिस वन मोर स्टेबल। तो भाई जानबूझ के आप लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना चाहेंगे या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट? मोर स्टेबल, इसका मतलब हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर इन ऑल? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, राइट? सोल्यूशन में बेसिक मीडिया में ए ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना? बेसिक मीडियम में ए ज़्यादा रहेगा और ए कम रहेगा, बिकॉज इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए कि इसका स्टेबिलिटी सर क्यों कम हुआ इस कार्बन आयन का। तो भाई ये माइनस सेम बट इधर से प्लस आई, राइट? बट इसके लिए सिर्फ माइनस सेम और माइनस आई, इज राइट? अब समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ने अलग से एक्स्ट्रा से क्यों पढ़ाया था? रिएक्शन में ऐसे हम लोग को यूज में आएगा, बहुत भयानक तरीके से यूज में आएगा। इसका मतलब है कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट कम है, तो दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग माइनर प्रोडक्ट, राइट? इसका मतलब सर एक चीज़ समझ में आ गया, मोर एसिडिक हाइड्रोजन के क्रॉस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, राइट? अब यहाँ देखिए इसके बाद का स्टेप, दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, करेक्ट ना? रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में। और ओएच माइनस तो रेडीमेड मार्केट में मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली एनएच के फॉर्म में मिलेगा, किसी के फॉर्म में मिलेगा, राइट? ओ माइनस सीएच टू सीएच थ्री, करेक्ट? तो बताइए यहाँ पे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एट दिस पोजिशन, दिस नेगेटिव चार्ज? ये नेगेटिव चार्ज डिसाइड किया ना कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है। इसका नाम क्या रहेगा? सोडियम। अब ये सॉल्ट ना, अगर ये सोडियम प्लस नहीं रहता वहाँ, यहाँ पे वही रहता तो बोलते इनॉल। अगर ओ माइनस एन ए प्लस हो गया तो इसको पढ़ते हैं सोडियम इनॉल से इनोलेट, बोलिए इनॉल से इनोलेट। सर लेकिन ये तो कैटलिस्ट था, जब कैटलिस्ट इन करेगा तो ओ एच माइनस को कैटलिस्ट आउट भी होना पड़ेगा। अब बेस है तो थोड़ा वाटर रहेगा वहाँ पे, तो अब ओ माइनस यहाँ से क्या लेगा, बोलिए एच प्लस। ओ माइनस वाटर से क्या लेगा? एच प्लस, राइट? और रिलीज क्या करेगा? तो ओ एच माइनस एज ए कैटलिस्ट इन किया और ओ एच माइनस एज ए कैटलिस्ट
आउट हो गया। लास्टली बना क्या? इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? सर इसका मैकेनिज्म भी ऐसे ही होगा, एक मिनट रुकिए मैं बात करता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सवाल। निगेटिव चार्ज कैसे हटा? ए ओ माइनस, ओ माइनस का फॉर्म में मुझे तो बनाना था इनॉल, यहाँ पे ओ माइनस है राइट, ए ओ माइनस वाटर से एच प्लस लेगा, क्या लेगा? आज के बाद जहाँ भी मैं निगेटिव चार्ज से एच प्लस हाइड्रोजन कैसे घेर देता हूँ तो वहाँ मानिए कि वहाँ पे मैं एच प्लस ले रहा हूँ। वाटर से क्या लिया बोलिए? एच प्लस। तो वाटर से एच प्लस लेंगे तो बचेगा क्या? तो ओ एच माइनस आउट हो गया। ओ एच माइनस को आउट होना भी चाहिए था, एज ए कैटलिस्ट इन किया था, एज ए कैटलिस्ट आउट हुआ राइट। तो एक्चुअल में अब बताइए ज़्यादा ए बनेगा या ज़्यादा ओ बड़ा बनेगा, कौन ज़्यादा बनेगा, ए या ए? ऊपर या नीचे? दो इनॉल मेरे पास है, भाई ए ज़्यादा स्टेबल है लेकिन जहाँ से बना है वो मेरे पास अमाउंट माइनर था राइट, ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा करेक्ट ना? अरे क्या रहेगा? मेजर। देखो मैंने सही लिखा, इसका मतलब यहाँ से क्लियर कट पता चल गया कि सर बेसिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एसिडिटी ऑफ फिनोलाइजेबल हाइड्रोजन इंटरमीडिएट राइट, इज इट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल? क्यों? अभी भी हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करेक्ट चले गए हैं, क्योंकि जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है तो हम लोग इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड किए। इस इंटरमीडिएट और ए भी इंटरमीडिएट, कार्बन आयन राइट, इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग, इस इंटरमीडिएट क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर इज इट राइट, इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कम तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट माइनर। इट डजेंट मैटर कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, प्रोडक्ट जिससे बन रहा है उसका पार्टिकल सॉल्यूशन में कम था राइट। इसका मतलब है कि एक मिनट में लिखवाऊंगा, बेसिक मीडियम में विच इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिसाइडिंग द मेजर इनॉल एंड माइनर इनॉल, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बट उससे भी ज्यादा फास्ट आंसर देने के लिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन राइट, क्योंकि जिस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसका क्रॉसपॉन्डिंग इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आपके ऑप्शन में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ये तो बहुत डेप्थ का बात हो गया ना। जनरली जो आपको ऑप्शन दिखेगा उसमें ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा इन बेसिक मीडियम मोर मेजर इन ऑल अकॉर्डिंग टू, और ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल, उसके डेप्थ का बात नहीं बताया रहेगा, बट हम लोग मैकेनिज्म के अंदर का बात किए हैं करेक्ट ना? तो हाँ बिल्कुल कंपलसरी नहीं था भाई, लेकिन जस्ट कुछ चीज़ें बताने के लिए, जैसे यहाँ देखिए ओ एच माइनस मार्केट में स्पेशली मिलेगा क्या आपको? सिर्फ ओ एच माइनस? तो ओ एच माइनस के लिए आप कुछ यूज़ किए होंगे एन ए ओ एच राइट, तो यहाँ पे ओ माइनस है तो उसको बैलेंस करने के लिए एन ए प्लस दिखाते हैं करेक्ट ना? और थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का हैबिट भी हुआ, इसको पढ़ते हैं सोडियम इनोलेट करेक्ट। कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड, मैकेनिज्म सबको आज के बाद अगर बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए आएगा तो ड्रॉ हो जाएगा।
चलिए मुझे रास्ता बताइए तो, बेसिक विटामिनाइजेशन करने का रास्ता क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? बेस लेकर जाएंगे, राइट। बेस बेस क्या करेगा, किस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को, राइट। बट अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप रहेगा तो दोनों को ट्रैप करेगा, दोनों को लेगा। हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद जस्ट कॉल करता हूँ आपको। हाँ ठीक होगा। ओके, तो रास्ता क्या है? सबसे पहले बेस किसको ट्रैप करेगा? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम को, राइट। अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप रहेगा तो दोनों को ट्रैप करेगा, लेकिन किसके क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्यूशन में ज़्यादा बने लेगा? जिसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका क्रॉसपॉन्डिंग इंटरमीडिएट ज़्यादा होगा, और जिसके जिसका एसिडिक करेक्टर कम रहेगा उसका क्रॉसपॉन्डिंग इंटरमीडिएट कम रहेगा सोल्यूशन में, राइट। तो ये लेस स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। और जिसका, इसका मतलब है कि लास्टली सर कंक्लूजन इज दैट जिसका एसिडिक करेक्टर, तो रास्ता ये था कि पहले हम लोग वहाँ से बेस एच प्लस को लेगा, जो कंजुगेट बेस बनेगा उसको फिर क्या करना है, उस निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करके क्या बनाना है, इनोलेट, राइट। और कहाँ पे पाई बॉन्ड बने, इनोल में कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? निगेटिव चार्ज, कि पाई बॉन्ड इधर बनेगा, राइट। और निगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो जहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा वही डिसाइड करेगा कि पाई बॉन्ड कहाँ आएगा इनोल में, राइट। अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है तो पाई बॉन्ड यहाँ, यहाँ का पाई बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट में ज़्यादा रहेगा। अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहता किसी वजह से, यहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा नजर आता इनोल में, राइट। इस तरफ का इनोल इन ज़्यादा रहता, डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा रहता प्रोडक्ट में, करेक्ट। समझ में आ गया। कंक्लूजन, इन केस ऑफ बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन, इन केस ऑफ बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन मेजर इनोल क्रॉस्पॉन्डिंग टू मोर एसिडिक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। मेजर इनोल बनाएंगे दोनों, दोनों नहीं बनाएंगे तो नंबर प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा। मेजर इनोल क्रॉस्पॉन्डिंग टू मोर एसिडिक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, मेजर इनोल क्रॉस्पॉन्डिंग टू मोर एसिडिक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। ओके एवरीवन, चलिए ऊपर वाले एरो में कौन सा मेजर कौन सा माइनर, ये मेजर रहेगा और ये माइनर रहेगा, नीचे वाला में कौन सा मेजर कौन सा माइनर, ये माइनर और ये मेजर, क्या ऑब्जर्व किया आपने? अब देखिए यहाँ के बाद होगा क्या, कि अब यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं रोकता तो कहीं ना कहीं माइंड में खुद से कंक्लूड बैठता है, ओके एसिडिक मीडियम में जो मेजर रहेगा वो बेसिक में माइनर हो जाएगा, वाइस वर्सा, राइट। किसको किसको ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है देखकर, नहीं
जो एसिडिक मीडियम में मेजर है वो बेसिक मीडियम में माइनर है, वाइस वर्सा। बट इसको नॉट ए रूल, इसको रूल नहीं बनाना है, ऐसे मत प्लीज़ कंक्लूजन दिमाग में रखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब तो जो भी पॉइंट पढ़ाएं उस पॉइंट को याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिए यहाँ पे। समझे मैंने क्या बोला? तो क्या याद रखना है, एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल डिसाइड करेगा मेजर माइनर, और बेसिक मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, बोलिए दो चार बार, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। चलिए लेकिन ये बात मैं यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट आउट कर दिया, इसके लिए एक एग्जांपल देकर ही यहाँ जो क्लास में पॉइंट अप करूँगा। मैंने क्या बोल दिया कि ऐसा दिखने से लग रहा है कि जो एसिडिक में मेजर है वो बेसिक में माइनर है एंड वाइस वर्सा, तो ऐसा हो एक्चुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट। देखिए तो सही, चलिए हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम शुभांकर, एट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, वेरी गुड। मैक्सिमम एफर्ट लगाना है स्टूडेंट, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज। मैं आप लोग के साथ रूटीन तो शेयर किया नहीं हूँ, बट मैं अंदर के बाद बताता हूँ कि क्वेश्चन बैंक का वीक में 2 दिन का रूटीन बना है, ऐसे बता ही देते हैं, एक सैटरडे एक मंडे। मंडे को दिन में 12:30 से 2, और सैटरडे को 8:45 से 10:15। ये अभी अगला 2 महीना के लिए क्वेश्चन बैंक का, दिस इज़ द रूटीन IIT क्वेश्चन बैंक का, राइट। मतलब मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करना है अभी। चलिए ये हो गया ना, कौन ज्यादा स्टेबल इनॉल है, ये मोर स्टेबल है, मतलब मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी मैं मेजर माने नहीं बोला हूँ, मतलब ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी के लिए, इसमें तो एग्री करेंगे आप लोग। अब मेरा क्वेश्चन है इस एग्जांपल के लिए, एसिडिक मीडियम में मेजर कौन सा रहेगा, मेजर और माइनर का, ए मेजर रहेगा। क्यों मेजर रहेगा, क्योंकि सर यहां पर स्टेबिलिटी डिसाइड करता था मेजर माइनर, राइट। ओके स्टूडेंट, बेसिक मीडियम में मेजर कौन रहेगा, बेसिक मीडियम में भी यही रहेगा, कौन रहेगा, ए, करेक्ट। वजह सर ये बड़ा गजब का एग्जाम्पल था, नहीं ये एक्टिव मिथाइलिन का केस था, इसमें और इसमें इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हो और वो हाइड्रोजन एटम सब मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एसिडिक भी हो, ये राइट। क्योंकि लेकिन दोनों में बेसिक मीडियम में भी ए इज मेजर, करेक्ट ना, एंड बी इज माइनर, तो जो भ्रम था दिमाग में वो टूट गया, इससे पहले जो भ्रम चल रहा था एक। चलिए बढ़िया है, लेकिन दोनों में ए मेजर माइनर, मेजर माइनर, लेकिन दोनों में सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ये दूसरी बात है कि यहाँ का मेजर वहाँ का मेजर मैच कर गया, बट सोचने का सेम पॉइंट ऑफ व्यू सोचे या अलग अलग। इसमें जब सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, इसमें जब सोच रहे थे तब क्या सोच रहे थे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल, राइट। इसमें सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बेटर है ना कि जो मेन की पॉइंट है उसको पकड़ के आगे बढ़ें। तो बेसिक मीडियम में क्या सोच दिमाग में रखना है, शॉर्ट नोट्स में याद रखना चाहिए, ठीक है। बेसिक मीडियम में ड्राइविंग फोर्स फॉर डिसाइडिंग द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल, और एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। और ये बात को नहीं याद रखना है कि इसमें मेजर वो उसमें माइनर हो जाएगा, वाइस वर्सा, ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। हो गया ना, इसको हटाया जाए,
यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लिख लिए ना, अदरवाइज बाद में डिवीजन के टाइम पे कंफ्यूज कीजिएगा। दोनों में विदाउट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म तो आप देख लिए ना स्टूडेंट कैसे जाना है, बट आप लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रफ में मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिएगा। आपका मैकेनिज्म 5 बार 6 बार रफ में ड्रॉ कीजिए, अगर कोई मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूँ तो, ताकि मेरा जैसा याद हो जाए मैकेनिज्म। बोलिए दोनों में मेजर और माइनर बताइए। इस यहाँ पर दो इनॉल्व बनेगा राइट, इस मीडियम में कौन सा मेजर कौन सा माइनर, इस मीडियम में कौन सा मेजर कौन सा माइनर डिसाइड कर लीजिएगा पहले एसिडिक कैरेक्टर, ऐसा नहीं गलती हो जाए। सर अब यहाँ पे ए मेजर रहेगा और ए माइनर रहेगा, वजह सर इसके टाइम पे मैंने एसिडिक कैरेक्टर चेक कर लिया, नहीं ये ज़्यादा एसिडिक था एक कम एसिडिक था राइट, मोर एसिडिक। बताइए एवरीवन बिना एसिडिटी बेसिसिटी का टॉटोमिज्म पढ़ा सकते थे, लेस एसिडिक। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन डीकेएस में मिलेगा ठीक है। तो मेजर इनॉल और माइनर इनॉल के लिए सारा क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर गलत बात हो जाएगा, कुछ आपके लिए भी रहेगा वहाँ पे बना पाएंगे ना। ओके तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन कर जाऊँगा स्टीरियो आइसोमिज्म में, टॉटोमिज्म खत्म करके स्टीरियो में इन कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और थोड़ा देर आप लोग ब्रेक ले लीजिए और